हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीस फुटबॉल एकेडमी। मेरा नाम स्वराज दीक्षित है। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सो आज हम आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि है फर्स्ट टच के ऊपर। यस, पहले मैं बताऊंगा कि फर्स्ट टच इतने ज़रूरी क्यों है एंड वो कैसे आपके गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं सब डिटेल में बताऊँगा एंड उसके बाद मैं कुछ बेसिक ड्रिल्स बताऊँगा कि कैसे अपने फर्स्ट टच को मास्टर करना है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आप लोग को कुछ मैच क्लिप्स दिखाता हूँ फर्स्ट टच को और अच्छे से समझाने के लिए। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा रोल है। ये एक आर्ट है जिसको मास्टर करने में ईयर्स लगते हैं, लेकिन अगर इसको मास्टर कर लिया तो अपोनेंट प्लेयर्स के ऊपर एक एडवांटेज मिल जाता है। फुटबॉल पिच पे कुछ भी करने के लिए जितना लेस टाइम लोगे उतना बढ़िया है। इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पिच को स्कैन करने के लिए। आप इस क्लिप में देख सकते हैं अपने फर्स्ट टच टाइमिंग एंड स्पेस को यूज़ करके प्लेयर्स को कितना ईजिली बीट कर दिया। गेम को फास्ट एंड प्रेशर में पोजीशन रखने के लिए प्रिसाइज फर्स्ट टच बहुत नेसेसरी। अगर आप लोग कहीं ट्रायल्स देने जाओगे तो वहाँ आप देखोगे उतना टाइम नहीं मिलता है, उस थोड़े ही टाइम में अपना मैजिक दिखाना पड़ता है। सो फर्स्ट टच एक ऐसा वेपन है कि किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है, जैसे आप ये सब क्लिप्स में देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट टच का कितना इम्पोर्टेंस है, एक टच कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। तो चलिए मूव करते हैं ड्रिल्स की तरफ। ऑलराइट, अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई वॉल के सामने भी इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल बॉल पास करना है एंड रिसीव करना है, बॉल को सेट करना है अच्छे से फिर से पास करने के लिए। इस ड्रिल का पर्पस यही है कि रिसीविंग बॉल को सेट करना है पास करने के लिए। बॉल के साथ एक फील लाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ड्रिल भी सिमिलर है, बस इसमें बॉल को रोकना नहीं है, बॉल को फर्स्ट टच ही पास कर देना है फुट के इनसाइड पार्ट से। बिगनर्स को ये टिप दूंगा, एवरी टाइम टोस पे रहने की प्रैक्टिस करें। टोस पे हल्का डांस करते रहना है बहुत ज़रूरी, फ्लैट फुटेड खड़ा नहीं होना है। फॉलो करो वीडियो में कि ये प्रोस के बॉडी पॉस्चर कैसे हैं। और एक चीज़ आप लोग ने शायद नोटिस नहीं किया कि रिसीव करने के पहले ये हेड टर्न करके अपने शोल्डर्स चेक कर रहे हैं। आप जैसे जैसे इम्प्रूव करोगे मैं चाहूँगा आप इस सेम चीज़ को प्रैक्टिस करें। मैच में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है आपके सराउंडिंग्स में, अपोनेंट्स के मूवमेंट्स इससे रीड कर सकते हो। ये एक हैबिट है इसलिए इसको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करो जिससे ये नेचुरल हो जाए। थर्ड ड्रिल के लिए कोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो उसकी जगह कोई बॉटल या फिर शूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रिल में इनसाइड पार्ट ऑफ द फुट को यूज़ करना है, रिसीव करने में ही बॉल को सेट करना है अपोजिट फुट के लिए एंड देन पास करना है। इस मूव को ट्राई करना कि परफेक्ट एंड स्मूथली परफॉर्म करो। स्टार्टिंग में एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा बट विद प्रैक्टिस ये एफर्टलेसली होने लगेगा। इस ड्रिल को राइट फुट लेफ्ट फुट दोनों से परफॉर्म करना है। मैं सेट्स एंड रेप्स मैं बता दूंगा। इस ड्रिल में स्टेपिंग्स इन्वॉल्व हैं। अगर कोन्स हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो जस्ट इमेजिन करो कि वहाँ कोन्स हैं। इसमें एक ट्रेनिंग पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ नी स्लाइटली बेंड, आर्म्स टू लेग्स कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। टोस पे मूव करना है, याद रहे बोन्स के अराउंड स्टेपिंग्स करना है जैसे वीडियो में शोन है एंड पास करना है एवरी साइड में। याद रहे प्रिसाइज पास की प्रैक्टिस हो रही है। इसमें एक और एक वेरिएशन भी है आप लोग साथ में वो भी करना, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट्स हैं इसलिए दोनों को एक ही ड्रिल में डाल दिया मैंने। ऑलराइट, फिफ्थ है जगलिंग। फुटबॉल को फील करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग जगलिंग ही गलत करते हैं, टोस पे जगल करते हैं। मैंने बहुत प्लेयर्स को देखा है बट वो गलत है। फुट के इंस्टेप पोजीशन से जगल करना होता है, शूलेस वाले एरिया को इंस्टेप बोलते हैं। बहुत लोग जगल करते वक्त बॉडी को स्टिफ कर लेते हैं,
जो कि नहीं करना है। बॉडी को रिलैक्स रखना है एंड नी स्लाइटली बेंड जैसे वीडियो में परफॉर्म हो रहा है। बॉल पे फोकस करना है, ध्यान रख। इसमें एक वेरिएशन है, ये थोड़ा एडवांस जगलिंग है। अगर आप इजीली 100-200 जगल कर सकते हो तो ये वाला ट्राई कर सकते हो। इसमें जगल थोड़ा हाइट पे ही करना है, बॉल के नीचे आने से पहले। ये ड्रिल हेल्प करता है बॉल के साथ केमिस्ट्री बढ़ाने में एंड विद बॉल कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। आप लोग और वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हो, जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे ये सब डिफरेंट वेरिएशन भी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर दिन में 1 आवर भी डेली इस पर काम किया तो इन नो टाइम अपने गेम में आप खुद इम्प्रूव देखोगे। सो ये फर्स्ट टच को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट टाइम और एडवांस ड्रिल आप लोग के लिए लेके आऊँगा जो टॉप प्लेयर्स एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि स्टेमिना को कैसे बढ़ाएं, सो वेरी सून मैं स्टेमिना एंड एंड्योरेंस पे वीडियो लाने वाला हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। फॉलो करो इंस्टाग्राम में, अगर कुछ भी पूछना हो आप लोग वहाँ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।